तो सिंघम अगेन के बारे में बात करने वाला हूँ। सिंघम अगेन का फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इसकी ऑक्यूपेंसी कैसी रही और इसका कलेक्शन डे थी कैसा आने वाला, क्योंकि आज भाई दूज का दिन था, दिवाली का आखिरी दिन था। आज के दिन महाराष्ट्र में स्पेशली अक्रॉस इंडिया में काफ़ी जगह लोग जो फैमिली है वो गेट टुगेदर, रियूनियन जैसा कुछ सीन था। तो मॉर्निंग शो ऑक्यूपेंसी जहाँ 40% तक की रही आज, मतलब बेहतर थी फर्स्ट डे के हिसाब से थी, लेकिन आफ्टरनून शो में ऑक्यूपेंसी ड्रॉप देखने को मिली। आफ्टरनून शो में 70% ऑक्यूपेंसी थी, इवनिंग शो में लगभग 72% की ऑक्यूपेंसी थोड़ी बेहतर थी, लेकिन नाइट शो में ऑक्यूपेंसी फॉल हुई लमसम 60% के आसपास की ऑक्यूपेंसी आ रही है। टोटल ओवरऑल ऑक्यूपेंसी पूरे दिन की बात करें तो 60% है। फर्स्ट डे 70% थी, उस हिसाब से अगर थर्ड डे की बात करें तो 10% तक का ड्रॉप नजर आ रहा है। तो फर्स्ट डे का कलेक्शंस सेकेंड डे के कलेक्शंस के बाद दो दिन का टोटल हो रहा था 88.20 करोड़, 88 करोड़ 20 लाख। आज फिल्म 38 से 39 करोड़ तक कमाती हुई नजर आ रही है, यानी कि 40 करोड़ का जो ड्रॉप है, 40 करोड़ तक का जो आंकड़ा था फर्स्ट डे सेकेंड डे जो इसने छुआ था, थर्ड डे शायद नहीं छू पाएगी। तो 38 से 39 करोड़ अगर फिल्म कमाती तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 126.20 करोड़ से 127.20 करोड़ के आसपास। दोस्तों कितना, वापस से बताता हूँ, 126.20 करोड़ से 127.20 करोड़ के आसपास। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय।